Audio Jungle. राम राम दोस्तों, मैं संजय सिंघल, आपका दोस्त, आपका भाई, एक बार फिर से आपके बीच में एक नई वीडियो, एक नई श्रृंखला को लेकर। शब्दों की इस श्रृंखला में मैं धन्यवाद करता हूँ FPRT का, नवदृष्टि टाइम्स ग्रुप का और आप सभी ऑडियंस का, जिन्होंने मुझे इतना प्यार, इतना स्नेह और अपना आशीर्वाद दिया कि रेगुलर हम इस वीडियो की श्रृंखला को बना पा रहे हैं और आप तक अपने शब्दों को, अपने विचारों को पहुंचा पा रहा हूं मैं। तो एक बार मैं फिर से शुरुआत करता हूं। आज मैंने शुरुआत की राम राम से। तो लास्ट वीडियो जो बनी हमारी, हमने उसमें भगवान राम के आदर्शों का, भगवान राम के रामत्व का जिक्र किया। आज हम भगवान राम को फिर से, भगवान राम की जो आज भव्य मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है, वो एक विश्व विख्यात मंदिर बनेगा। इतना भव्य मंदिर बनेगा कि उसकी अभी से ही पूरे विश्व में उसकी चर्चा होने लगी है। तो आज भगवान राम को फिर से नमन करते हुए मैं राम यानी कि भगवान, भगवान यानी कि गॉड पे बात करने चल की कोशिश कर रहा हूँ मैं। आज मैं आपको बात करना चाहूँगा मेरे विचार से कि भगवान को कैसे पा सकते हैं, भगवान कहाँ मिल सकता है, भगवान कैसे मिल सकता है। तो ये इसमें कोई, हर किसी के अपने अपने विचार हैं, अपनी अपनी विचारधारा है। ये मैं अपने विचारों को आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। भगवान राम यानी कि भगवान यानी कि गॉड, जब भी हमने इस बात पे, इस नाम पे चर्चा करी तो हमें अंदर से एक फीलिंग आनी शुरू होती है। हम सुबह निकलते हैं, कोई नमस्कार कहता है, कोई राम राम कहता है, कोई सत श्री अकाल कहता है, बट सभी के भाव में ईश्वर को, अपने अपने ईश्वर को, कोई सलाम वालेकुम भी कहता है, सब इंसान अपने ईश्वर को एक एक अपने शब्दों को पिरोने की कोशिश करते हैं, उन्हें नमन करने की कोशिश करते हैं। तो गॉड को कैसे पाया जाए? भगवान खुद से कहते हैं कि अच्छे कर्म से भगवान को पाया जा सकता है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि शब्दों की श्रृंखला है। गॉड शब्द को मैंने एक बार पहले भी एक्सप्लेन किया था कि गॉड का, GOD, गॉड का क्या मीनिंग होता है। आज हम इसे रिवर्स करेंगे। भगवान को पाने के लिए हम उसी में से, उसके बनाए हुए जीवों से, उसके बनाए हुए शब्दों से, हम उनके विचारों को पकड़ने की, उन तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। गॉड को अगर हम, भगवान राम ने एक जीव बनाया, गॉड को अगर उल्टा करें तो उसमें से शब्द निकलते हैं DOG, डॉग निकलता है। डॉग भी भगवान का बनाया हुआ एक जीव है जिसे भगवान ने बनाया। कभी हम उसे नेगेटिव रूप में देखते हैं, लेकिन हमें हर इंसान से, हर चीज़ से, हर बात से, हर विचारधारा में से सिर्फ पॉजिटिव को छांटना है, क्योंकि नेगेटिव शब्द और नेगेटिव चीज़ें खुद को नेगेटिव कर देती हैं, लेकिन पॉजिटिव शब्द पॉजिटिव चीज़ को खुद को पॉजिटिव करती हैं। उसी तरीके से हमने डॉग की बात करी। भगवान का डॉग से क्या कंसर्न है? तो भगवान को डॉग यानी कि भगवान, किसी भी चीज़ को पाने के लिए डॉग यानी कि डॉग की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। जैसे आपने सुना होगा कि डॉग जो होता है, डॉग की एक खासियत होती है, वो वफादार होता है, यानी कि वो सच्चा होता है। वो अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने मित्रों के लिए बड़ी सच्चाई से रहता है। तो डॉग की एक खासियत हुई कि वो बहुत लॉयल होता है। तो मैं हर चीज़ को, अपने काम को, अपने धर्म को, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए बिल्कुल सच्चाई से खड़े रहना है और सच्चाई से जीतना है। उसकी एक क्वालिटी होती है, जैसे हमने सुना होगा कि किसी काम के पीछे कुत्ते की तरह पीछे पड़ गए, तो ऐसा वो, हम इस शब्दों पे ना जाएं, हम इन शब्दों से बात को निकालने की कोशिश करें। ये क्यों कहा जाता है? यानी कि जब वो किसी के पीछे पड़ता है तो उसे पकड़ के छोड़ता है। तो इसी तरीके से हमें भी, जब तक हम जिस चीज़ को पाना चाह रहे हैं, चाहे वो ईश्वर है, चाहे वो मेरे टारगेट हैं, चाहे आपका कोई और मिशन है, जब तक हम उसके पीछे नहीं पड़ेंगे, जब हाथ जोड़ के बिल्कुल भाग दौड़ के उसके पीछे नहीं पड़ेंगे, तब तक आपका कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता, कोई टारगेट पूरा नहीं हो सकता, तब तक आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक ईश्वर की प्राप्ति के लिए आप ईश्वर के
कर्म को करना नहीं शुरू करेंगे। आप जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, 125,001 लड़ावा, यानी कि इतने वो इतना जुनून था उनके लिए, उनके मन में, कि वो उन्होंने एक एक आदमी के अंदर इतना जुनून, इतना पागलपन, इतना वो भर दिया कि उन्होंने ये मान लिया कि उनका एक एक सिपाही 125,000 लोगों से लड़ सकता है। चिड़िया नाल बाज लड़ावा, चिड़िया को बाज से लड़ाने की बात करी उन्होंने। और दोस्तों, इतिहास तो पागल ही रचा करते हैं। तो इट मीन्स जब तक हम कुत्ते की तरह किसी चीज़ के पीछे, पागलों की तरह, एक बहुत अच्छे उसकी तरह नहीं पड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि हम किसी चीज़ को नहीं पा सकते, चाहे वो ईश्वर हो, चाहे वो मेरा टारगेट हो। तो इसके अलावा दूसरी चीज़, उसकी खासियत है दोस्तों, वो बहुत अलर्ट होता है हर समय। पिन ड्रॉप, अगर एक पिन भी नीचे गिरती है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं, कि हर चीज़ के लिए वो अलर्ट रहता है, हर चीज़ के लिए आगाह रहता है। कभी भी अपने कर्म, अपनी चीज़ों के लिए वो एकदम से एक्टिव हो जाता है और उसके पीछे भागना शुरू कर देता है वो। तो तीसरी चीज़, वो उसकी सूंघने की शक्ति, यानी कि हमें हर समय अपने कान, आँख और दिमाग को खोल के रखना है और हमें अच्छे कर्म की तरफ भागना है। जब तक हम किसी चीज़ के पीछे एक पावर से, एक शक्ति से, एक पैशन से नहीं भागते, तब तक वो चीज़ हमें मिलती भी नहीं दोस्तों। चाहे वो ईश्वर हो, चाहे वो आपके टारगेट हो, चाहे वो आपका पैशन हो, तो हमें डॉग की तरह इन सारी चीज़ों का अपना ध्यान रखना है। और आपने सुना भी होगा, कई बार मैंने भी जिक्र किया, कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको आपके लिए जुटाने के लिए लग जाती है। ईश्वर का जो पाना है, ईश्वर का पाना, ईश्वर को प्रत्यक्ष रूप में तो नहीं देखा दोस्तों मैंने, लेकिन मुझे लगता है कि ईश्वर एक अनुभूति है, ईश्वर एक प्रकाश है, अनुभूति एक आनंद की अनुभूति है, राइट? ईश्वर को जब हमें आनंद की अनुभूति होती है, हम कोई चीज़ पा लेते हैं, कोई टारगेट अचीव हो जाता है, तो जो खुशी हमारे अंदर होती है, उस समय हमें ऐसा लगता है जहान मिल गया। और वो ईश्वर का वो वाला जो वो जो पल होते हैं, ऐसा लगता है कि ईश्वर आपके अंदर बस गए हैं। आप कहते हो, कोई पूछता है कि यार ऐसा ये किस तरीके से, ये क्या है और क्या कर रहे हो, कैसा चल रहा है, आप कहते हो सब ईश्वर की कृपा है। यानी कि जब अच्छा होता है तो कहा जाता है ईश्वर की कृपा है। जब दुख की अनुभूति होती है, हम उस समय ईश्वर को याद सबसे ज़्यादा करते हैं, लेकिन ईश्वर प्राप्त तब होते हैं, माने जाते हैं, जब आपको आनंद की अनुभूति होती है, तब लगता है कि शायद ईश्वर हमें प्राप्त हो गया। तो ईश्वर एक अनुभूति है। तो हमें, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, हमें अपने अंतर्मन को, अपनी आत्मा को, उसे शुद्ध करना पड़ेगा, उसे पावरफुल करना पड़ेगा, हमारे पे किसी नेगेटिव चीज़ का असर ना हो। जिस प्रकार आपने देखा होगा, अपने पौधों को सबने बचपन में या अभी भी देते होंगे, पौधों को पानी दिया होगा दोस्तों, तो पौधों को जो पानी दिया जाता है, तो वो कहाँ दिया जाता है, वो पौधे की जड़ में दिया जाता है। और लेकिन जब पौधों की जड़ में पानी दिया गया, तो उस पर पत्ते और टहनियाँ कैसे बड़ी होनी शुरू हुई? आप कहोगे ये कैसी बात है, जब पौधों की जड़ में पानी दिया है तो पत्ते और टहनियाँ तो बड़ी होंगी होंगी। और जब वो टहनियाँ बड़ी होती हैं, वो वृक्ष बनता है और वृक्ष वट वृक्ष बन जाता है और उस पर सुंदर सुंदर फूल आने लगते हैं, मीठे मीठे फल आने लगते हैं। जब उनकी फूलों की खुशबू और फलों की मिठास हमें अंदर से आनंदमयी कर देती है, हमने पानी कहाँ दिया? वट वृक्ष बनने के बाद में भी क्या आपने देखा है कि पानी जो है कभी भी पत्ते या टहनी पर डाला गया? पानी हमेशा जड़ों में दिया जाता है। पानी यानी कि हमें अपनी अंतरात्मा, अपने मन को, अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए, उसकी शुद्धि करते हुए हमें ईश्वर की कामना करनी है। अपने प्योर, बहुत पवित्र मन से हमें अपने टारगेट को पूजना है, हमें उसके लिए कार्य करना है, तब जाके मुझे लगता है ईश्वर मिलता है। तो उसी तरीके से, क्योंकि ऊपर से गार्निशिंग, जो ऊपर से पत्ते पे और टहनी पे पानी दोगे, उससे नहीं होगा। हमें ऊपर की गार्निशिंग, कि मैं कितना खूबसूरत हूँ, मैंने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, वो एक बार किसी को अट्रैक्ट तो कर सकता है, लेकिन हमारे अंदर की शुद्धि ही हमारे उस चीज़ को आगे लेके जाती है, हमें आगे बढ़ाती है। तो मैं अपनी बात को, क्योंकि समय की भी मर्यादा है, 15 मिनट का समय मेरे पास है, समय की भी मर्यादा है और हमें उसका भी ध्यान रखना है। तो मैं एक हनुमान जी की एक चौपाई, दो लाइनें मैं बजरंग बाण से उठाई मैंने। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सम्मान, ते ही के कारज सकल सफल शुभ सिद्ध करे हनुमान। यानी कि निश्चय प्रण, आपको प्रण करना पड़ेगा, ईश्वर को पाना है या टारगेट को पाना है, उस अनुभूति को प्राप्त करना है, किसी चीज़ को पाने की अनुभूति, उस अनुभूति के लिए निश्चय प्रण करना पड़ेगा। प्रेम, आपको
प्रेम भी करना पड़ेगा अपने लोगों से, उस जिस मिशन पे आप चले हो। निश्चय प्रेम प्रतीति, प्रतीति यानी कि विश्वास, आपको विश्वास खुद पे भी विश्वास होना चाहिए, अपने लोगों पे विश्वास होना चाहिए, अपने इष्ट देव पे विश्वास होना चाहिए, अपने देश पे विश्वास होना चाहिए। प्रतीति ते विनय करे सम्मान, तो आपको विनय विनम्र भी होने की ज़रूरत है। आप किसी चीज़ के लिए ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ मिल गई आप बड़े हो गए, या कोई चीज़ नहीं मिल पा रही है तो आप उसके लिए उग्र हो गए। विनम्र होने की, विनय करे सम्मान, आपको दूसरों को सम्मान प्यार और आशीर्वाद भी देना है, आपको उनका आशीर्वाद लेना भी है। सम्मान ताही के कारज सकल, उनके सभी काम को सकल यानी कि पूर्ण होना, सफल यानी कि उसे बिल्कुल सफलता के साथ पूर्ण होना, कि आप जिस एकाग्रता से लगे थे वो पूरी सफलता के सकल सफल शुभ, और वो शुभ भी इतना होना चाहिए कि उससे देश का, समाज का, आपका परिवार का भला होना चाहिए। हमें किसी नेगेटिव थॉट को नहीं लेके आना, हम किसी नेगेटिव मिशन के लिए इस चीज़ को यूज़ नहीं करते, इसलिए शुभ वर्ड भी यूज़ किया गया। शुभ सिद्ध, सिद्धि भी होनी चाहिए, आप उसके लिए कामना करो तो उसके लिए सिद्धि भी होनी चाहिए, तो उतनी शिद्दत से भी आप उस काम को करो। सिद्ध करे हनुमान, तो बजरंगबली, बजरंगबली यानी कि हनुमान, हनुमान यानी कि राम भक्त यानी कि ईश्वर, गॉड, गॉड भी आपकी उस चीज़ के लिए सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान, तो भगवान आपके उस कार्य को शुभ करता है, सफल करता है। तो मेरा एक बार फिर से मैं अपनी बात को इसी बात के साथ में विराम देते हुए दोबारा से दो लाइनें बोलते हुए, निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय कर सम्मान, ते ही के कारण सकल सफल शुद्ध शुभ सिद्ध करे हनुमान। जय बजरंगबली, जय श्री राम।